आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्रलेखा की, जिनसे हाल ही में राजकुमार ने शादी की है और इन दोनों की वेडिंग पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आज हम आपको बताएंगे इनके बारे में कि ये कौन है और इनकी मुलाकात राजकुमार राव से कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप राजकुमार राव के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। पत्रलेखा का नेम है अनविता पॉल और इनका स्क्रीन नेम है पत्रलेखा पॉल। इनका जन्म 20 फरवरी 1990 को हुआ था और 2021 के अनुसार इनकी उम्र हो चुकी है 31 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग असम वैली स्कूल से करी और इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा की है एक्टिंग में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से। और अगर बात करें इनके होम टाउन की तो इनका होम टाउन है शिलोंग मेघालय। पत्रलेखा का जन्म मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और बचपन से ही इनका मन पढ़ाई में नहीं था। इनफैक्ट इन्हें तो एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था लेकिन इनके माता पिता चाहते थे कि वे पढ़ लेकर एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन वे एक एक्टर बनना चाहती थी और इनकी इसी जिद को देखते हुए इनके माता पिता ने इन्हें अपना पैशन फॉलो करने दिया और इन्होंने एक्टिंग में डिप्लोमा भी किया। पेशे से ये एक एक्ट्रेस और मॉडल है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा के कैरियर के बारे में। पत्रलेखा ने अपने कैरियर की शुरुआत 2014 में की थी और इनकी डेब्यू मूवी का नाम था सिटी लाइट्स, जिसमें इन्होंने राजकुमार राव के साथ काम किया था। ये एक लो बजट मूवी थी जिसमें एक गरीब परिवार दिखाया गया है जो राजस्थान से मुंबई शिफ्ट होता है काम की तलाश में। और जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई ये एक कमर्शियल हिट साबित हुई थी और क्रिटिक्स की ओर से पत्रलेखा को कई अच्छे व्यूज भी मिले थे। इसके बाद इन्होंने 2016 की मूवी लव गेम्स में रोमाना रायचंद का किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा टिक नहीं पाई। इसके बाद पत्रलेखा ने अपना लक टेलीविजन की दुनिया में भी आजमाया और 2017 में इन्हें बालाजी के साथ बॉस डेड और अलाइव में काम किया और ये फिल्म इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म में इन्होंने राजकुमार राव के साथ काम किया था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद पत्रलेखा ने कई सुपरहिट मूवीज में काम किया जिनके नाम है फॉरबिडन लव, चीयर्स और बदनाम गली। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। पत्रलेखा के हस्बैंड का नाम है राजकुमार राव, जिनसे इन्होंने हाल ही में शादी की है। इसके अलावा इनके माता पिता की पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। पत्रलेखा पर फिल्म 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और इनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिनके वे 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। 2021 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए और वहीं अगर इनके पति की नेटवर्थ की बात करें तो इनके पति की नेटवर्थ है 50 करोड़ रुपए। अब चलिए आपको इनका घर दिखाते हैं। पत्रलेखा लंबे समय से राजकुमार राव के साथ रह रही हैं और इन दोनों का अपार्टमेंट मुंबई के ओबेरॉय स्प्रिंग्स में है। इनके इस अपार्टमेंट में 5 बेडरूम्स और 4 बाथरूम्स हैं, साथ ही साथ एक इंडोर जिम भी राजकुमार ने बनवा रखा है अपने इस अपार्टमेंट में। और इस घर की कीमत 2021 के हिसाब से लगभग 25 करोड़ रुपए है। इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। चलिए आपको इनकी कार कलेक्शन दिखाते हैं। अब जब पत्रलेखा राजकुमार के साथ रह रही हैं और ज्यादातर वे उनकी ही कार्स में स्पॉट की जाती हैं, इसीलिए हम आपको राजकुमार की कार्स के बारे में बताएंगे। राजकुमार राव के पास सिर्फ एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। दोस्तों ये थी राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको राजकुमार और पत्रलेखा का कपल कैसा लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो पर इस न्यूली वेड कपल के लिए एक लाइक तो बनता है।